मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत रीपा योजना का जायजा लिया। गौरतलब है कि राजधानी रायपुर जिले के 4 ब्लॉक में कुल 10 रीपा पार्क तैयार किए गए हैं। इस योजना के तहत जिले से 350 लोगों ने अपना पंजीकरण भी कराया है और इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने रीपा योजना में चलाए जा रहे देखा गोबर पेंट यूनिट देखा। इस अवसर पर जय बूढ़ा देव स्व सहायता समूह की सदस्य सुनीता ध्रुव ने सीएम भूपेश बघेल को बताया कि पिछले 2 महीने ही हुए हैं गोबर से प्राकृतिक पेंट का निर्माण उन्होंने किया है और अब तक उनका समूह 860 लीटर गोबर पेंट बेच चुके हैं। इससे समूह को 62,000 रुपए की आमदनी भी हो चुकी है। पैसा फ्री में मिलते हैं। फ्री में और नमक फ्री में। एक किलो मिलते हैं। 1 किलो और शक्कर 1 किलो। सत्तर पैसे देते हैं। 17 रुपए। शक्कर हो गए, नमक हो गए और क्या मिलते हैं? अच्छा हो गए चावल तो पहले बताया। चावल नमक शक्कर। चावल नमक शक्कर। अच्छा चना वगैरह नहीं मिले? नहीं। अच्छा और माटी तेल? माटी तेल महंगा है करने का ले भी नहीं कर। हाँ अच्छा महंगा है। और रसोई के सामने वो रसोई के सिलेंडर? हाँ वो महंगा है तो हम नहीं भरा। अच्छा कहाँ नाम बताते हैं? अंजू। ये बता ये चावल है नमक है और शक्कर है ये लग कौन देते और गैस सिलेंडर और माटी तेल कौन देते बता? आप मां। दोना पतल यूनिट का संचालन कर रही मां अम्बे स्व सहायता समूह की सदस्य गणेशिया पटेल ने बताया कि 10,000 बंडल दोना पत बना चुकी हैं। 2 महीनों में 20,000 की आमदनी हो चुकी है। सीमार्ट में भी पत्तल बेच रहे हैं और साप्ताहिक बाजार भी भेज रहे हैं। इसके बाद चंदली रीपा में ही संचालित हो रहे जूता चप्पल यूनिट का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। वंदे मातरम स्व सहायता समूह की पुष्पा खुंटे ने बताया कि 1 महीने में ही 309 स्लीपर बेच चुकी हैं। इससे 11,400 रुपए की आमदनी हुई। मुख्यमंत्री ने समूह के सभी सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि आप लोग बड़े पैमाने पर इतने सारे काम कर रहे हैं और आरंभिक समय में ही आप लाभ कमाने लगे हैं। इससे निश्चित ही आपका उत्साह बढ़ेगा और आप तेजी से अपने गतिविधियों को भी बढ़ाएंगे।